हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीजगणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे। तो ये स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 13 है, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स क्या होगा? मतलब कि स्क्वायर से क्या हो रहा है, स्क्वायर खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। जब क्या दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 13 है, जब यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या कर देंगे, स्क्वायर से क्या हो रहा है नंबर में चल जा रहा है, तो रूट लगा देंगे। और जो भी नंबर दिया है 13, यहाँ पर कितना था 2, स्क्वायर से क्या हो रहा है, स्क्वायर हम लोग खत्म कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 15। यही काम करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 13 है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स के लिए क्या कर देंगे कि रूट अंडर जो भी ये संख्या दी है 13 और प्लस 2, तो 15 हो जाएगा। अब तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स के पावर 4 बटा 1 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 23 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट होगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा? तो इसको भी देख लीजिए। अब क्या है, एक्स के पावर 4 बटा 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 23 दिया है, तो एक्स स्क्वायर बटा 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या हो रहा है 4 से 2 हो रहा है, तो पावर क्या हो रहा है 2 का कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे, ये जो भी संख्या दिया है 23, 23 लिख देंगे और प्लस 2, क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तो रूट अंडर 25। 25 किसका रूट होता है, तो 5 ही का ना स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब आ जाता है एक्स प्लस 1 बटा एक्स का, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से जब एक्स हो रहा है तो फिर रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, स्क्वायर खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था यहाँ पर एक्स हो गया, तो मतलब स्क्वायर खत्म हो गया, तो स्क्वायर खत्म हुआ तो क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो रूट लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो इससे क्या करेंगे तो जो भी ये संख्या है उसको लिख देंगे 5। स्क्वायर से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है स्क्वायर, तो 2 जोड़ देंगे, तो रूट अंडर 7 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा? ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस है माइनस हो रहा है, तब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर से क्या हो रहा है पावर खत्म हो रहा है, स्क्वायर से यहाँ पर 1 पावर आ गया, मतलब क्या होगा 2 के कमी हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म हो रहा है तो रूट चढ़ा देंगे, 5 है ना, तो यहाँ पर 5। जब प्लस रहता था तो क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स के लिए क्या करते थे रूट अंडर, ये जहाँ जो लिखा रहता था 5, अब प्लस 2 जोड़ देते थे, जब यहाँ दोनों जगह प्लस रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि माइनस, तो रूट अंडर 5 माइनस 2 तो रूट 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा तो रूट 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब स्क्वायर से क्या हो, स्क्वायर खत्म हो रहा है, यदि निगेटिव हो जाए तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा, यदि स्क्वायर से स्क्वायर से क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे आप प्लस ही है साइन, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट अंडर 5 प्लस 2, ठीक है, जो भी संख्या दे दे यहाँ पे उसके में 2 जोड़ दीजिए, बस हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स के पावर 4 वो प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 322 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर वाट होगा, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर वाट, और एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग तीनों देखेंगे जो अभी पीछे डिस्कस किए हैं। तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 322, तो इससे क्या करेंगे 2 पावर कम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसके के लिए क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे, जो भी ये संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 322, बीच में क्या करेंगे प्लस लगा देंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस हैं, आप प्लस कितना है 2 जोड़ देंगे, तो 322 और प्लस 2 324, 324 किसका रूट होता है तो 18 का, तब यहाँ 18 आ गया, मतलब कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18। अब एक्स स्क्वायर से फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स ज्ञात कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 से, एक्स के पावर 4 से डायरेक्ट एक्स प्लस 1 बाई एक्स से, यहाँ ये 4 के लिए नहीं है, ये 2 का अंतर पे होता है, यहाँ से 4 से क्या हो गया 2, फिर 2 से क्या हो गया 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है
अब क्या करेंगे कि जो भी 18 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18, तो इसको लिख दीजिए 18। अब क्या हो रहा है दोनों जगह प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दो ऐड कर देंगे, तो रूट अंडर 20। अब एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स के एक्स माइनस 1 बटा एक्स के लिए क्या करेंगे कि रूट अंडर जो भी ये संख्या है उसको लिख देंगे 18। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस की प्लस, तो यहाँ से प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 2, तो रूट अंडर 18 माइनस 2 16, 16 किसका रूट होता है तो 4 का। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा, मतलब कि एक्स से अब एक्स स्क्वायर जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट असलियत में है क्या, तो इसका कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए। जैसे मैं कोई एक इक्वेशन दे दिया कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर ए, ठीक है, तो इसको यदि आप लोग स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x1 बाई एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करिएगा आप लोग, तो इधर भी स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस इधर से 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर से, अब एक बात बताइए एक्स स्क्वायर बराबर जब 5 दिया हो तो क्या करेगा एक्स बराबर रूट अंडर 5, बस वही काम है यहाँ पर, न कि एक्स के पावर 4 बराबर रूट 5 लिख सकता है। उसी तरह से यहाँ पर रहता है क्वेश्चन को कि जब हम लोग क्या रहता है कि एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 कितना है 322, तो इसे जब एक्स स्क्वायर गए तो क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे जो भी मान आएगा, तो रूट अंडर और 322 प्लस जो भी संख्या यहाँ पर दिया है प्लस 2 कर देंगे, और जब माइनस रहे इससे माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे कि रूट अंडर जो भी इसका है मान और माइनस 2, ठीक है। और जब इसका इस तरह से कह दे कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो इस तरीका से निकालेंगे, ये जो तरीका है ना इससे निकालेंगे, तो इसको देखिए ट्रिक से कैसे यूज करते हैं। तो याद करने का यही रहे कि जैसे मैं दे दिया कि x प्लस 1 बटा x बराबर 13, तो x प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करिए कि जब प्लस से प्लस हो रहा है क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करिए कि 13 जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, और क्या करिए कि माइनस 2 कर दीजिए। यहाँ पर जब प्लस प्लस हो यहाँ पर क्या हो रहा है लीनियर से स्क्वायर में जा रहा है, तो इसका क्या करिए करिए स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2 घटा दीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 2 कितना हो गया 167, यही आंसर हो गया। अब वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर से क्या होता है एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 जाता, तो क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं कि 167 के स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस 2 लिख देते हैं, ठीक है, 167 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 13 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको भी देखिए एकदम आसान है क्वेश्चन, तो x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, जब माइनस और प्लस रहे साइन तो क्या करिए कि इसका जो है स्क्वायर कर दीजिए 13 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पर क्या करिए कि जोड़ दीजिए, यदि दोनों जगह प्लस प्लस रहता है तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 171, तो यहाँ पर लीनियर था लीनियर से क्या हुआ स्क्वायर हुआ, तो इसके लिए क्या किया कि स्क्वायर करके जोड़ दिए, और जब स्क्वायर से लीनियर में जाते थे तो क्या करते थे रूट कर देते थे, और जब क्या रहता था दोनों जगह जोड़ रहता था तो जोड़ करते थे, यदि एक जगह भी घटाव हो जाता था तो घटाव करते थे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 7 बटा 4 हो तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या है, तो इसका निकालने के लिए अभी ही आप लोग सीखे हैं लेकिन देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 7 बटा 4, तो इसे जब एक्स प्लस 1 बाई एक्स मतलब क्या हो रहा है स्क्वायर खत्म हो रहा है तो क्या होना चाहिए रूट लगना चाहिए, जो भी ये संख्या है उसको लिख दीजिए आप प्लस क्या करिए, यदि दोनों जगह प्लस है तो 2 जोड़ दीजिए, 7 बटा 4 आ प्लस 2, तो 4 दूनी के 8 आ 7 15 बटा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 बटा 2, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि कन्फ्यूजन है 7 बटा 4 आ प्लस 2 में, यदि कन्फ्यूजन है तो क्या करिए इसका क्या है 2 बटा 1 तो 4 एक अलग से कितना होता है 4, 7 तो वही रह जाएगा 4 एकम 4 तो 7 एकम 7 प्लस 1 गुने 4 4, तो 2 में भी क्या करेंगे ऊपरे 4 से गुना करेंगे तो 8, तो 8 7 15 बटा 4 हो गया ना,
ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अड़सठ प्लस वन बराबर जीरो है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अड़सठ प्लस वन बराबर जीरो है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ई एक्स वाले को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स रूट अड़सठ। अब यदि एक्स को सब से भाग दे दें, इधर भी एक्स से भाग दे दें, इधर भी एक्स से भाग दे दें, कोई दिक्कत, ई एक्स एक्स कट जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, एक एक्स स्क्वायर बटा एक्स मतलब कितना एक्स बच जाएगा, आप प्लस वन बटा एक्स, तो वन बटा एक्स बराबर रूट अंडर अड़सठ। जब एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट अंडर अड़सठ है, तो एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका जो भी फॉर्मूला होता है कि क्या करिए कि रूट चढ़ा दीजिए, प्लस और माइनस का है बात, तो क्या करिए कि रूट चढ़ा दीजिए। और जो भी संख्या है ना, तो रूट अंडर अड़सठ है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, माइनस घटा दीजिए फोर, तो रूट अंडर अड़सठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो अड़सठ माइनस चार, तो अड़सठ माइनस चार मतलब कितना चौंसठ, तो चौंसठ किसका स्क्वायर होता है आठ का, तो आठ जो है आंसर हो जाएगा। अब यहां पर दे रहा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री रूट टू है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर वाट क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको। सो देखिए, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री रूट टू दिया है ना, तो एक्स क्यूब अब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का कह रहा है पूछने के लिए, तो क्या करिए कि इसका क्यूब कर दीजिए, क्या यहाँ पर क्यूब पूछ रहा है, तो तीन रूट दो का क्यूब कर दीजिए आप, माइनस तीन गुना ये संख्या कर दीजिए, तो तीन गुना तीन रूट दो, तो तीन रूट दो का क्यूब कितना था, तीन का क्यूब 27, और रूट दो का क्यूब तो दो रूट दो, और माइनस तीन गुना तीन 9√2, तो 27 × 2 तो मतलब कितना 54√2, और माइनस 9√2, तो 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 45√2, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 45√2। अब इसको एक बात देखिए, इसको फॉर्मूला पर कैसे रिलेट करते हैं, सो देखिए। तो जैसे मैं कोई इक्वेशन दे दिया कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर वाट होगा क्या होगा, यही ना है यहाँ पे। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स को क्या करेंगे, दोनों पर क्यूब कर देंगे, तो ए प्लस बी का क्यूब हो गया, तो मतलब क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री गुने एक्स गुने वन बटा एक्स इंटू ए प्लस बी, तो मतलब कितना एक्स प्लस वन बटा एक्स, यही ना बराबर कितना ए का क्यूब। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्स कट खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स क्यूब वन बटा एक्स का क्यूब मतलब कितना वन बटा एक्स का होल क्यूब है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बटा एक्स का क्यूब प्लस थ्री, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान कितना है, पहले से ए माने थे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान ए, तो यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं थ्री ए बराबर ए क्यूब, तो यहाँ से कितना आ गया एक्स क्यूब अब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया ए क्यूब माइनस थ्री ए। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला को रिलेट करते हैं, और उसी को बनाने का ट्रिक होता है कि जैसे मैं कुछ संख्या दे दिया है लीनियर में, उसको क्यूब में कर दे, तो क्या करें कि इसका इसी का नाम क्यूब किए हैं, और माइनस थ्री गुने ए कर दिया। उसी तरह से देखिए, रूट जब स्क्वायर वाला रहे, यहाँ पर ऊपर देखे थे ना स्क्वायर वाला, कि जैसे मैं क्या दे रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कोई संख्या दे दिया ए, तो कह रहा है कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या होगा, ठीक ये दिया है ना कि क्या होगा, तो मान लीजिए कि टी होगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर टी, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए दोनों पर टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस दो गुने एक्स इंटू वन बाई एक्स अब बराबर कितना टी का स्क्वायर। हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है ए होता है, तो ए प्लस टू बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस टू। तो हम लोग को पता चल गया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान रूट अंडर ए प्लस टू। क्या हम लोग यूज करते थे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम लोग यूज किए हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7/4 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स के लिए क्या करते थे, रूट अंडर जो भी संख्या दिया हुआ रहता था आ प्लस दो, तो बात वही ना है। तो इसी तरह से ट्रिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।